नमस्ते सर, मैं हूँ जेजी और ये है मेरी बहन जायरा। इसे बैडमिंटन सीखना है। बहुत खूब जायरा, ये काफी बढ़िया स्पोर्ट है। इसे खेल के तुम हमेशा फिट रहोगी, पर अगर तुम्हें इसे प्रोफेशनली खेलना है तो तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ कोच। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें बैडमिंटन के बेसिक रूल्स बता देता हूँ। इसे प्रोफेशनली इंडोर हॉल में खेला जाता है। पॉइंट स्कोर करने के लिए आपको शटलकॉक आपके अपोनेंट के हिस्से में गिराना है। बैडमिंटन कोर्ट के बाहर अगर आपका शटलकॉक जाता है तो आपके अपोनेंट को पॉइंट मिलेगा। सर्व आपको डायगोनली करनी होती है। यदि आप गलत सर्व करते हो तो पॉइंट अपोनेंट को मिलेगा। गेम से पहले टॉस होगा और जीतने वाले को पहले सर्व करने मिलेगी और वही डिसाइड करेगा कि उसे कोर्ट का कौन सा साइड चाहिए। अगर प्लेयर की बॉडी या रैकेट नेट के संपर्क में आते हैं तो उसे फॉल्ट माना जाएगा और ओपोनेंट को पॉइंट मिलेगा। आप शटलकॉक को दो बार नहीं मार सकते। रेफरी हर मैच में निर्णय देता है। बैडमिंटन मैच जीतने के लिए आपको 21 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। हे भगवान, इतने सारे रूल्स। डरो नहीं जायरा, ये सब तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मुझे एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनना है, बट इतने सारे रूल्स देखकर मुझे लग रहा है कि मैं हार गई। तो जायरा, हमारे देश की बैडमिंटन स्टार कौन है? साइना नेहवाल। करेक्ट, उन्होंने कहा है कि मेरी फिलॉसफी है कि मुझे किसी से डरना नहीं है। अगर मैं अच्छा खेलूं तो बढ़िया है, पर मैं अगर अच्छा ना खेलूं तो मैं उसमें अपनी सीख लेकर आगे बढ़ूंगी। वाह जैजी, क्या बात कही है। हाँ जैजी, मैं भी ऐसा ही करूंगी और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ूंगी। प्यारे बच्चों, आप जो भी खेल खेलें वो कोच की ही गाइडेंस में खेलें। इससे आपके खेल में निरंतर सुधार होगा और आप सफल होंगे।